फाइनली दोस्तों, ट्रिपल आर आचार्य और कई सारी बेहतरीन साउथ इंडियन फिल्मों को डायरेक्ट हिंदी में रिलीज कर रहे पैन इंडिया फिल्म्स ने एक और साउथ की फिल्म यानी कि सिटी मार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में रिलीज करने की प्लानिंग कर ली है और आज इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि गोपीचंद की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिटी मार, जिसे कि दो दिन पहले ही साउथ स्टेट में रिलीज किया गया है, इस फिल्म ने दोस्तों 2021 में रिलीज होने वाली सभी साउथ इंडियन फिल्मों को पीछे करते हुए लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेने वाली एक बड़ी फिल्म साबित हुई है और ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। अब दोस्तों, पैन इंडिया मूवीज ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म के जो हिंदी डबिंग राइट्स है वो पैन इंडिया मूवीज ने ले लिए हैं और जल्द ही दोस्तों वो इस फिल्म को हिंदी में डायरेक्ट रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। ये फिल्म दोस्तों एक स्पॉट एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कि संपत नंदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के लीड में आपको गोपीचंद, तमन्ना और दिगंगा सूर्यवंशी भी नजर आने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि गोपीचंद की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज तो मिल ही रहे हैं, साथ ही में दोस्तों सुपरस्टार प्रभास ने भी इस फिल्म की काफी तारीफें की और आज ही दोस्तों उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस फिल्म के लिए एक अप्रिशिएशन पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में दोस्तों सुपरस्टार प्रभास ने गोपीचंद की इस फिल्म की काफी तारीफें की और गोपीचंद को अपना दोस्त बताते हुए इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की अपील की है। दोस्तों बताते चले आपको कि गोपीचंद की इस फिल्म को जल्द ही हिंदी में डब करके सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है या फिर दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डबिंग राइट्स के साथ पैन इंडिया मूवी यूट्यूब पर रिलीज कर सकता है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि गोपीचंद की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में कब रिलीज होती है और इस फिल्म को ऑडियंस किस तरह से पसंद करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, गोपीचंद की इस फिल्म को या फिर अब सभी साउथ इंडियन फिल्मों को हिंदी में डायरेक्ट रिलीज किया जाना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।